जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक इंसिडेंट सामने निकल के आ रहा है कि ऑटो वालों ने अब रैपिडो बाइक टैक्सी पैसेंजर को भी मारना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये इंसिडेंट है बेंगलोर का जो सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल बाईपनहल्ली का है, जहाँ पे एक कस्टमर ने राइड बुक की थी। जी हाँ दोस्तों, ये सुबह के करीब तकरीबन 5 बजे थे। 5 बजे कस्टमर ओला और उबर बुक कर रहा था, लेकिन वो ना मिलने पर कस्टमर ने डिसाइड किया कि रैपिडो बाइक टैक्सी बुक किया जाए। तो जैसे ही कस्टमर ने रैपिडो बाइक टैक्सी बुक की, बुक करने के विद इन 5 मिनट्स एक कैप्टन आता है। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने जैसे ही राइड शुरू की तो पीछे से 4-5 ऑटो वाले आके उन लोगों को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कस्टमर के ऊपर, पैसेंजर के ऊपर, कि रैपिडो बाइक टैक्सी इलीगल है, क्यों तूने बुक किया, और उसको पीछे से गले पे मारा। जी हाँ दोस्तों, तो हाथापाई हुई और मारपीट भी हुई। उन लोगों ने मारपीट किया पैसेंजर के साथ, और जैसे ही उन्होंने पीछे से धक्का दिया तो राइडर, कैप्टन और पैसेंजर दोनों बाइक से नीचे गिर गए। तो यहाँ पे दोस्तों कैप्टन का पाँव फंस गया बाइक में और कैप्टन जोर जोर से चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि कोई हेल्प करने नहीं आया। तो दोस्तों इन्हीं 4-5 ऑटो वालों ने पैसेंजर का मोबाइल भी छीन लिया और कैप्टन के साथ मारा पीटी भी करने लगे। तो यहाँ पे पैसेंजर ने जैसे तैसे करके अपना मोबाइल छीन के वहां से भाग गया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अब कैप्टन रह गया, तो कैप्टन भी कैसी तरह अपनी जान बचा के वहां से निकला है और पुलिस को ये इन्फॉर्म किया है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो जहाँ पे पुलिस ने बोला मुझे वीडियो फुटेज या तो कुछ फुटेज दो, तभी जाके FIR रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा इंसिडेंट कि अब ऑटो वाले गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, अब वो रैपिडो पैसेंजर को भी मारने लगे हैं। तो दोस्तों इस हालत में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं दोस्तों डेली। मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप भाई लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑटो वालों क्या बहुत ही गुंडागर्दी बढ़ गया है, वो हेलमेट भी तोड़ देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं कैप्टन का वो भी तोड़ देते हैं, बाइक को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो पिछले 3-4 महीनों में हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं दोस्तों। तो आप प्लीज़ अगर ऑटो स्टैंड, नियर बाई ऑटो स्टैंड आपको कोई राइड मिलती है तो वहाँ से आप पिकअप मत कीजिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल पहले रखें दोस्तों। अगर ऑटो स्टैंड पे वो कोई भी पैसेंजर खड़ा है तो उनको बोलिए थोड़ा ऑटो स्टैंड से आगे आने के लिए, क्योंकि आप फालतू में ऐसा रिस्क मत लीजिए। और अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो रैपिडो ने नया फीचर लॉन्च कर दिया है दोस्तों। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि नया अपडेट आ चुका है एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रहा है उस सिंबल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद और पुलिस का एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आप बटन पे क्लिक कीजिए और इमिडिएटली आप हेल्प मांग सकते हैं पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप प्लीज पुलिस की हेल्प लें और FIR जरूर दर्ज करवाएं दोस्तों, क्योंकि एक गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। अगर इन लोगों को, अगर ऑटो वालों को प्रॉब्लम है कुछ, तो वो रैपिडो कंपनी पे जाए और वहाँ पे ये सब चीज़ें करें, ना कि रैपिडो कैप्टन पे। क्योंकि यहाँ पे कैप्टन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है तो उन्होंने रैपिडो ज्वाइन किया है, तो किसी की जॉब चली गई है, दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो लोग वहाँ पे रैपिडो कैप्टन ज्वाइन करके अपना अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी फैमिली है, वो लोग भी अर्निंग करके कुछ थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। या तो कॉलेज स्टूडेंट है तो वो अपनी फीस पे करना चाहते हैं, जब फैमिली से सपोर्ट उतना नहीं मिलता है तो ऐसी चीज़ों में दोस्तों रैपिडो में ज्वाइन करते हैं लोग। और ऐसा कुछ होता है तो ये डीमोटिवेट कर देता है लोगों को और कोई रैपिडो कैप्टन ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो प्लीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया है यहाँ पे आप तुरंत ही पुलिस को कॉल कीजिए और FIR दर्ज कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ पुलिस की हेल्प लें, बिना डरे FIR रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि
रैपिडो कंपनी का कुछ नहीं जाता है दोस्तों, बाइक आपका है, पैसा आपका है, मोबाइल भी आपका है, तो सब चीज़ें आपकी है, तो आपको ही ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।